पैदल चलने से कितना वजन कम होता है, वजन कम करने का आसान तरीका पैदल चलना, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलना जो है ना, पैदल चलना बहुत ही आसान, एकदम सस्ता और बहुत ही मस्त तरीका है वजन कम करने का। आपका वजन आपको यदि कम करना है तो डेफिनेटली आप चलने का एक्सरसाइज, चलने का व्यायाम चालू करो। होता क्या है कि आप जब आप पैदल चलते हो तो नंबर एक, आपकी कैलोरीज बर्न होती है, मतलब आपकी एनर्जी बर्न होती है, और एनर्जी जब बर्न होती है तो आपका वजन कम हो जाएगा। आप जब 1 किलोमीटर चलते हो, 1 किलोमीटर, तो आपका 100 से 300 कैलोरीज आपकी बर्न होती है, और आपका करीब करीब 6 से 7 ग्राम वजन कम होता है। अभी ये पक्का है कि नहीं, 1 किलोमीटर आप चलते हो तो 100 से 300 कैलोरीज और 6 से 7 ग्राम वजन कम होना। अभी इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर है कि आप कितने फास्ट चलते हो, कितना आपका वजन है, कैसा आपका मेटाबॉलिज्म, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड है। मतलब मोटा मोटा हिसाब मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको वजन 1 किलो कम करना है तो कितना चलना पड़ेगा, 6 से 7 ग्राम पर 1 किलोमीटर और 100 से 300 कैलोरीज बर्न होती है। तो कैलोरीज बर्न होती है जब आप चलते हैं तो, और आपका वजन कम हो जाएगा। नंबर दो, जब चलते हैं ना तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है ना तो पचन जल्दी फटाफट हो जाता है, कैलोरी जल्दी जल्दी बर्न हो जाती है, वो एक फ़ायदा चलने का है। और नंबर तीन, चलने का एक फ़ायदा ऐसा है कि स्वास्थ्य में सुधार आता है, दोनों भी, शारीरिक स्वास्थ्य, तंदुरुस्त होते आप, फिट रहते शारीरिक फिजिकली, और मानसिक भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने बताया कि फील गुड हार्मोन्स बहुत सीक्रेट होते हैं चलने से, और उससे आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका मूड प्रसन्न हो जाता है। डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीडोसिन, एंडोर्फिन, ये सब फील गुड हार्मोन्स जो है, ये देवदूत है, ये बहुत बड़ी मात्रा में सीक्रेट होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप को यदि हैबिट नहीं होंगी तो आपने स्लो चलना चालू करना है, एकदम आराम आराम से चलो, 60 से 70 कदम पर मिनट शुरू में, एकदम आराम आराम से। फिर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, 90 से 100 कदम 1 मिनट में, जिसको मीडियम वॉक बोलते हैं, और बाद में फिर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, मतलब थोड़ा फास्ट चलना है, और वो 120 से 130 कदम पर मिनट होते हैं। तो आपको पहले स्लो, फिर मीडियम, फिर ब्रिस्क, ऐसा धीरे 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 आपको बढ़ाने का है। 30 से 40 मिनट आप पहले चालू करो शुरू में, एकदम आराम आराम से, हैबिट नहीं होंगी तो, और बाद में बढ़ते बढ़ते आप 60 मिनट तक लेके चलो। आपको यदि अच्छा तंदुरुस्त फिट रहना है तो एक अमेरिकन एसोसिएशन की स्टडी के अनुसार आपने 8 किलोमीटर वॉकिंग करना चाहिए, जो करीब करीब 10,000 कदम होता है, 10,000 स्टेप्स। अब इसके लिए आप गूगल फिट का या कोई भी ऐप का वापर कर सकते हैं, जो आप मोबाइल अपने खिसे में रखते हैं तो मोबाइल चलते रहेंगे और आप कितना किलोमीटर कितने मिनट में चले वो आपको मालूम पड़ेगा। चलने में बहुत रेगुलरिटी रखना जरूरी है, कम से कम हफ्ते में 6 दिन चलना चाहिए, 1 दिन चलो छुट्टी ले तो हरकत नहीं, दोस्तों को साथ में ले लो ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। बढ़ती मात्रा में ये चालू रखो, मतलब धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, और आपको टाइम नहीं है तो उस समय आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो सुनने की, ताकि आपका जो टाइम है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया चलना, जिससे आपका वजन कम हो जाएगा। अब वजन कम होने के लिए और कुछ बातें बता रहा हूँ। एक तो है कि भाई आपको अच्छी नींद लेना जरूरी है, मतलब 7 से 8 घंटे आप नींद लेना बहुत ही जरूरी है, उसके लिए आपका दिमाग शांत हो जाएगा, नींद में आपके अंदर का बॉडी का इन्फ्लेमेशन, सूजन जो है वो कम हो जाती है, पूरी एनर्जी जो है वो तैयार होती है, और आप 7-8 घंटे के बाद में एक नया आदमी तैयार होकर उठ जाता है। तो 7 से 8 घंटे नींद लेना जरूरी है। आपका आहार जो है बहुत ही पौष्टिक आहार जरूरी है, अंकुरित अनाज जब आप खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स रहते हैं। फिर फल खाना, फ्रूट्स अलग अलग, दूध, पनीर, और नॉनवेज यदि आप खाते हैं तो अंडा सबसे बहुत अच्छा, और फिश। 3 से 4 लीटर पानी आपने रोज पीना जरूरी है, हाइड्रेशन बहुत ही जरूरी है, हम पानी कम पीते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, तनाव, काम का बहुत तनाव है आजकल तो, हमको बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, और छोटी छोटी बात के ऊपर हमको बहुत तनाव आ रहा है, सोशल मीडिया तनाव दे रहा है, इन्फॉर्मेशन तनाव दे रही है, तो आपने कम से कम 10 से 15 मिनट रोज सेल्फ हिप्नोसिस करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान धारणा करना चाहिए, ये जरूरी है। और दूसरी, एकदम बहुत ही अच्छी बेहतरीन लाइफस्टाइल, बैलेंस लाइफस्टाइल,
तो रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हो, समय समय पे खान पान, समय समय पे नींद लेना, और उसके साथ साथ बैड हैबिट्स, तंबाकू का सेवन बंद, शराब का सेवन नहीं है, कोई भी ड्रग्स नहीं ले रहे आप, आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं, जैसा डायबिटीज है तो उसके लिए चेकअप कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर है तो उसका चेकअप करके दवाइयाँ ले रहे हैं, ताकि आप एकदम फिट रहेंगे और उसका जो शारीरिक बीमारी उसका असर होगा नहीं और आपका वजन कम हो जाए। आप बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है, आपका परिवार जो है वो आपके लिए बहुत अधिक महत्व का है, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार की फिक्र करो, चिंता करो, उनमें रुचि रखो और लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। वीडियो आपको अच्छा लगा था जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, हमारा उत्साह बढ़ते जाता है। थैंक यू वेरी मच।